नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे सस्ता डिजिटल बोर्ड के बारे में। सभी टीचर्स का एक ही सपना है, मेरे पास में एक स्मार्ट बोर्ड हो जिसमें कि हम अच्छे तरीके से पढ़ाए। लेकिन कितना रुपया में देता है सर, सबसे सस्ता कितना रुपया में मिल जाएगा? तो देखिए, 80,000 से भी स्टार्ट है, 90,000 से भी स्टार्ट है, 1,00,000 से भी स्टार्ट है। लेकिन समझिएगा पहले, लेकिन आ गया ना इसमें, एक ऐसे जगह से लीजिए जहाँ की आपको सब कुछ अच्छे से मिले। कई सारे डिजिटल बोर्ड बेचने वाले दुकान भाई, कई सारे डिजिटल बोर्ड बेचने वाले ऑफिस बंद हो चुके हैं। कई सारे टीचर्स डिजिटल बोर्ड सस्ता में तो ले भी लेते हैं, लेकिन 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, 4 मंथ के बाद उनको रोना पड़ता है। तो एक ऐसे जगह से लीजिए सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे बेहतरीन टॉपिक पे, जो कि सभी टीचर्स का सपना होता है डिजिटल बोर्ड का। अब देखिए, डिजिटल बोर्ड सबसे सस्ता कब होता है? तो कोई भी चीज़ सस्ता या महंगा होता है 2-3 चीज़ों को जानने के बाद। पहला होता है किस कंपनी का सर डिजिटल बोर्ड ले, किस कंपनी का। देखिए मार्केट की बात की जाए तो किस कंपनी का सर डिजिटल बोर्ड ले, कंपनी पे डिपेंड करता है सस्ता होता है या महंगा होता है। दूसरा होता है वेंडर, किन लोगों से ले, ठीक है, वेंडर मतलब जो विक्रेता है जिससे आप खरीद रहे हैं, ठीक है, कौन सा वेंडर से ले, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा साइज का ले, क्या आता है उसके बाद, कौन सा साइज का ले। फिर चौथा नंबर में आता है प्राइस, सर कितना रुपया लगता है, सबसे सस्ता कितना रुपया में आएगा। तो चारों टॉपिक पे आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में। यदि आपको भी एक स्मार्ट बोर्ड चाहिए, आपको भी एक ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, नोट्स बनवाना है, अपने कोचिंग का प्रचार करना है, ठीक है, मार्केटिंग करवाना है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7372579। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव कर देना है आप लोग को? क्रिएटर्स माइंड के नाम से सेव कर देना है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है आप बेझिझक इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारा टीम आपको सारा सॉल्यूशन बताएगा। देखिए सबसे पहली यदि बात की जाए ना सस्ता, तो कंपनी की बात की जाए तो मार्केट में देखिए, मार्केट में क्या है ना, 100+ कंपनी है। मार्केट की यदि बात की जाए कितना कंपनी है सर, 100+ कंपनी है। लेकिन समझिएगा चीज़ों को, यहाँ भी सिर्फ 10 कंपनी का ही सर्विस बेहतर है। कई सारे लोग कहते हैं सर देखिए ना, इस कंपनी का लिए थे, खराब हो गया है, लौटा के भी नहीं लेके जा रहा है, कहता है मेल कीजिए, 10 दिन बाद कीजिए, 15 दिन बाद कीजिए, 20 दिन बाद कीजिए, 2 महीना हो गया लौटा के नहीं जा रहा है। अब जो टीचर 1.5 लाख का प्रोडक्ट अपने 2 साल का मेहनत से खरीदे हैं, कोई टीचर्स लोन लेके खरीदे हैं, जमीन बेच के खरीदे हैं और उनका डिजिटल बोर्ड घर पे रखा हुआ है, अब वो डिजिटल बोर्ड का वो क्या करेंगे? इसलिए एक ऐसे जगह से लीजिए जहाँ की आपको सर्विस और सपोर्ट मिले। तो क्रिएटर्स माइंड टीम क्या है, 100 लोगों का लगभग टीम है, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले आपको अच्छा प्रोडक्ट दिया जाता है यहाँ पे, और सर्विस यूथ लोगों का, जो हमें देख रहे हैं आप, जो भी होगा 20, 21, 22, 23, 24 के लोगों को होगा एज के, जो कि आपको हमेशा सर्विस और सपोर्ट देगा। टोटल एक्सपीरियंस लोग है, पिछले 6 सालों से कंपनी चलती आ रही है, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कि आप सभी को बताए हैं, जो कंपनी की बात की जाए तो मार्केट में 100+ कंपनी है, लेकिन 10 कंपनी का ही सर्विस अच्छा है, सपोर्ट अच्छा है, सारा चीज अच्छा है। तो कौन सा 10 कंपनी का अच्छा है और किस कंपनी से लेना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से बताएगा कौन सा ब्रांड अच्छा होता है, कौन सा साइज का लेना चाहिए, सारा चीज आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा। देखिए कंपनी के बारे में समझ गए, वेंडर मतलब जो विक्रेता है, सपोज दैट अभी क्या है, हमसे आप यदि लेते हैं तो क्रिएटर्स माइंड कंपनी से आप लेते हैं, ठीक है। तो क्रिएटर्स माइंड कंपनी का 3 चीज़ों को देखना है, सबसे पहले रिव्यू को देखना है, इसका रिव्यू कैसा है, रिव्यू कहने का मतलब जहाँ जहाँ हम लोग पहले लगाए हुए थे उसका कैसा है, सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं या नहीं, कोई भी कंपनी से ले रहे हैं, क्रिएटर्स माइंड कंपनी या कोई अदर कंपनी, तो उसका ये देखिए उसका सपोर्ट अच्छा है या नहीं, सर्विस अच्छा है या नहीं, तब डिजिटल बोर्ड लीजिए। दूसरा देखना है आपको टीम के बारे में, जैसा बताया क्रिएटर्स माइंड का लगभग 100 लोगों का टीम है, जिसमें कि आपको सपोर्ट अच्छे तरीके से सर्विस दिया जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा ये देखिए उनका ऑफिस को देखिए आप, ऑफिस है या नहीं नियर बाय में आपका, ठीक है। ऑफिस के बाद फिर उसको देखिए एक्सपीरियंस कितना है उनके टीम का, टीम मान के लिए 100 लोगों का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वैसा टीम का क्या फायदा, आपका कोई प्रॉब्लम आएगा और कहेगा सर बाद में कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आपको क्लास लेना है अभी और बाद में होगा, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो ये चीज़ों को समझना है, तो वेंडर में आपको 3 चीज़ों को देखना है। साइज की यदि बात की जाए तो साइज 65 इंच का आता है, 75 इंच का आता है, ठीक है, और 81 इंच का आता है, आने का 65 इंच का भी आता है और 98 का भी आता है। 65 सबसे छोटा हो जाता है, 98 बहुत बड़ा हो जाता है। स्टैंडर्ड साइज लोग 75 इंच के डिजिटल बोर्ड लेते हैं।
अब प्राइस की यदि बात की जाए तो प्राइस सबसे सस्ता हो या महंगा इसी पे डिपेंड करता है। अब देखिए, इससे पहले हम लोग एक पॉइंट को समझेंगे। कई लोग आपको डिजिटल बोर्ड 75 इंच की डिजिटल बोर्ड की बात की जाए 1,00,000 रुपया में भी दे देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, क्रिएटर्स माइंड कंपनी ऐसा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर ये जो डिजिटल बोर्ड लिए हैं, आगे 2 मंथ में, आगे 3 मंथ में, आगे 4 मंथ में आपको फंसना पड़ेगा, आपको जो है वो डिजिटल बोर्ड को लौटाना पड़ेगा, और वो कंपनी तभी रिस्क नहीं लेगा, आपको लौटा के नहीं देगा, आप फंस जाइएगा। इसलिए एक ऐसे जगह से लीजिए जहां सब कुछ बेहतर मिले। तो सबसे सस्ता की बात की जाए तो यहां पे देखिए साइज के अनुसार होता है। 65 इंच आपको सबसे सस्ता मिलेगा, जो कि आपका 90,000 से स्टार्ट है, 90,000 से ये स्टार्ट है, 95,000 में मिलता है, 1,00,000 में मिलता है, 1,05,000 में, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कौन सा कंपनी का आप ले रहे हैं, किसका सर्विस अच्छा, किसका सपोर्ट अच्छा। 75 इंच का 1,20,000 रुपया से स्टार्ट है, और 86 इंच की यदि बात की जाए तो ये 1,90,000 रुपया से स्टार्ट है। तो मुख्य रूप से यही चीजें, आज के जो यह वीडियो था ये अवेयर वीडियो था, ऐसी जगह आप लोग नहीं फंस जाइए जहाँ कि आपको आगे चलकर दिक्कत हो जाए, कम रुपया के चक्कर में 5,000-10,000 ज़्यादा लग जाए। अब बताइए 1,00,000 आप खर्चा कर ही रहे हैं और 1,20,000 में आपका अच्छा हो जाएगा, तो आपको बेहतर लेना चाहिए ना। 20,000 के चलते आप 1,00,000 को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जब आपको सस्ता मिल गया आप बर्बाद कर रहे हैं 1,00,000 को। इसलिए एक ऐसे जगह से लीजिए जहां सब कुछ अच्छा। कैसे सर पता चलेगा कि कौन सी जगह अच्छा है, कैसे हम जानेंगे जो क्रिएटर्स माइंड कंपनी बेहतर है? उसका रिव्यू को देखिए, एक बार टीम को देखिए, ऑफिस आइए, एक्सपीरियंस चीज़ों को देखिए, कौन कितना दिन से यूट्यूब पे है, कौन कितना दिन से इस चीज़ों को संभाल रहा है। जैसे 5 साल से हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे हैं पिछले, ठीक है, लगभग 4.5-5 साल से हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे हैं, और पहले ऑफलाइन हम लोग करते थे, यूट्यूब वगैरह पे नहीं करते थे। तो यहाँ पे क्या है, एक ही जगह पे आपको सारा सामान मिल जाएगा, इसलिए आप कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा होगा। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।